एनडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत ने बांग्लादेश को हराकर श्रीलंका में हुई निदाहास टी20 ट्राई सीरीज पर कब्जा जमा लिया। रविवार रात को कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया। इस बेहद रोमांचक मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो दिनेश कार्तिक साबित हुए, जिन्होंने आखिरी बॉल पर 6 लगाते हुए भारत को जीत दिलाई। 8 बॉल की अपनी छोटी सी इनिंग में उन्होंने 2 चौके और 3 सिक्स लगाते हुए 29 रन बनाए। ऐसा रहा मैच का रोमांच। मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को चुना। बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 5 ओवर तक 33 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए। बांग्लादेश की ओर से 4th विकेट के लिए 33 रन और 5वें विकेट के लिए 36 रन की पार्टनरशिप हुई। बांग्लादेश ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 166 रन बनाए, जिसमें सबीर रहमान ने 50 बॉल पर सबसे ज्यादा 77 रन, 7 चौके, 4 सिक्स बनाए। जवाब में टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 32 रन पर 2 विकेट गिर गए। 3rd विकेट के लिए रोहित और राहुल ने मिलकर 51 रन की पार्टनरशिप की, 56 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के 56, दिनेश कार्तिक के 29 और लोकेश राहुल के 24 रन की मदद से 6 विकेट पर 168 रन बनाकर ये मैच 4 विकेट से जीत लिया। दिनेश कार्तिक को उनकी इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं वाशिंगटन सुंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। 17 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 132-4 रन था और टीम को जीत के लिए 18 बॉल पर 35 रन की जरूरत थी। इस वक्त स्ट्राइक शंकर के पास थी। 18वें ओवर में शुरू की 4 बॉल पर कोई रन नहीं बना। 5वीं बॉल पर शंकर ने लेग बाय का 1 रन लिया। वहीं आखिरी बॉल पर मनीष पांडे कैच आउट हो गए। इस ओवर के खत्म होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 133 रन हो गया। अब टीम को जीत के लिए 34 रन की जरूरत थी। ये ओवर भारत के लिए जबरदस्त साबित हुआ। इस ओवर में दिनेश कार्तिक ने अकेले 22 रन बना दिए। रुबेल हुसैन के इस ओवर में कार्तिक ने 2 छक्के और 2 चौके समेत कुल 22 रन बनाए। 19वां ओवर शुरू होते वक्त भारत को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर के बाद जीत का फासला सिर्फ 12 रन पर आ गया था।